हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री वीडियो नंबर 9। पहला टॉपिक है धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष क्या है? किसी भी क्रिस्टल जालक में से जब ऋण आयन एक ऋण आयन गायब हो जाता है तो उसके स्थान पे क्रिस्टल की उदासीनता को कायम रखने के लिए उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है फिर या फिर क्रिस्टल के अंतराली स्थान में धन आयन अतिरिक्त धन आयन आ जाता है तो क्रिस्टल की उदासीनता को कायम रखने के लिए क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो क्रिस्टल में इस प्रकार के दोष को धातु अधिकता दोष कहते हैं। जैसे देखिए आपका यह आपका जालक है, ये आपका जालक है और इसी में से जो ऋण आयन एक ऋण आयन निकल कर गायब हो जाता है तो उसके स्थान पे क्रिस्टल को उदासीनता को कायम रखने के लिए उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। फिर जब क्रिस्टल में एक अतिरिक्त धन आयन आता है तो उसके उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन आता है। तो इस प्रकार क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को धातु अधिकता दोष कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड। इसमें पोटेशियम क्लोराइड की अधिक पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम की अधिकता होने के कारण इसका रंग जो है बैंगनी हो जाता है, इसका रंग बैंगनी हो जाता है। और लिथियम क्लोराइड में लिथियम की अधिकता होने के कारण इसका रंग गुलाबी हो जाता है, ठीक है। फिर जब जिंक ऑक्साइड में ये पहले से श्वेत रहता है, जब इसको हीट देते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो यह पीला हो जाता है, यह पीले रंग का हो जाता है। यहाँ देखिए आपका जिंक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो Zn2+ + ½O2+ में 2 इलेक्ट्रॉन यही आपका बनता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। फिर है धातु अल्पता दोष। धातु अल्पता दोष क्या है? जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक धन आयन गायब होता है, एक धन आयन गायब होता है तो क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसके स्थान पर एक ऋण आयन आता है, ठीक है। फिर ऐसे ही जब क्रिस्टल के अंतराली स्थान में अतिरिक्त जब ऋण आयन आता है, प्रवेश करता है तो उसके स्थान पे उसके निकट वाले परमाणु पे दो धन आयन की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में जो भी दोष उत्पन्न होती है उसी को धातु अल्पता दोष कहते हैं। जैसे देखिए आप, जब क्रिस्टल जालक में से एक धन आयन गायब हुआ, उसके स्थान पे उसके निकट वाले परमाणु पे दो धन आयन की उत्पत्ति हुई। देखिए उसके बगल वाले धन आयन की परमाणुओं पे दो धन आयन की उत्पत्ति हुई। फिर उसी प्रकार से जब क्रिस्टल के अंतराली स्थान में ऋण आयन प्रवेश करता है, क्या ऋण आयन अंतराली स्थान यही है, यहाँ पे आपका ऋण आयन प्रवेश किया है तो उसमें क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए वहाँ एक ऋण आयन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम
धातु अल्पता दोष कहते हैं। देखिए यहाँ बगल वाले परमाणु पे आपका 2+2 धन आयन है और यहाँ अतिरिक्त में आपका जो ये माइनस है, ठीक, ऋण आयन प्रवेश किया है। जैसे आपका है फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड तथा निक्लियो ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड और जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन सभी में धातु अल्पता दोष उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे बगल वाले परमाणु पे डबल धन आवेश है और यहाँ पे एक स्थान रिक्त है। नेक्स्ट देखिए अशुद्धता दोष। जब NaCl की गलित अवस्था को उसके साथ किसी क्रिस्टल को मिला दिया जाता है या क्रिस्टलीकरण कर दिया जाता है तो उसके बाद जो भी क्रिस्टल प्रवेश करती है तो वह पहले वाले क्रिस्टल के धन आयन को, पहले वाले क्रिस्टल के धन आयन को जो दूसरे वाले क्रिस्टल होता है तो दूसरे वाले क्रिस्टल के धन आयन जो होता है वो उसको प्रतिस्थापित कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, ठीक है। और उसका एक स्थान जो है ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ पे उसका एक स्थान ग्रहण कर लेता है और जो दूसरा स्थान होता है वह रिक्त हो जाता है, दूसरा स्थान रिक्त हो जाता है। देखिए पहले वाले क्रिस्टल के धन आयन को वह प्रतिस्थापित करके दूसरे वाले क्रिस्टल के धन आयन को प्रतिस्थापित कर देता है और एक स्थान में वह रह जाता है और दूसरा स्थान खाली रह जाता है। जैसे कि NaCl की गलित अवस्था में NaCl की गलित मिश्रण को जब SrCl2 के साथ मिलाकर क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो जो SrCl2 होता है वह NaCl के दो परमाणु को वह विस्थापित कर देता है और उसका स्थान यह ग्रहण कर लेते हैं और दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है। फिर है नेक्स्ट बिंदु दोष क्या है। जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई भी आयन अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाता है तो क्रिस्टल में इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसी को बिंदु दोष कहा जाता है। इनके प्रकार बिंदु दोष के कितने प्रकार होते हैं। बिंदु दोष के तीन प्रकार होते हैं। पहला है आपका स्टोकियोमेट्रिक दोष, दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष और फिर तीसरा है अशुद्धता दोष। तो बिंदु दोष का यही तीन प्रकार है। नहीं, फिर से देखिए ठोस का विद्युतीय गुण, भिन्न भिन्न ठोस पदार्थ के विद्युतीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चालक क्या है, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता 10^4 से लेकर 10^7 ओम इनवर्स एवं मीटर इनवर्स के बीच होते हैं उसे हम चालक कहते हैं। जैसे में आपका हो गया सभी धातुएं में चांदी का जो होती है सबसे अधिक चालकता होती है। फिर है आपका कुचालक, वैसा ठोस पदार्थ जिसकी चालकता आपका 10^-20 से लेकर 10^-10 के बीच होती है उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे में आपका हो गया सभी अधातु। फिर है अर्धचालक, वैसा ठोस पदार्थ जिसकी चालकता 10^-6 से लेकर 10^4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे में आपका हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन और SB, ये सब आपका अर्धचालक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।